की है, बिल्कुल खत्म। इतनी तकड़ी और इतनी ऊंची बाड़ी खड़ी थी, इतनी ऊंची कपास खड़ी थी, इसके अंदर मुश्किल से एक एकड़ में 10 या 20 किलो कपास निकले। लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय राम बागी राम राम, जय हिंद नमस्ते। भाणो और भाइयों, किसानों की जितनी बड़ी दुर्दशा हुई है आज के दिन किसी की भी नहीं है। लॉकडाउन के मार से उबरा भी नहीं था, कपास की खेती ने बर्बाद कर दिया किसान को। कपास की खेती इतनी घाटे की खेती साबित हो गई कि पूछो मत, किसान बर्बादी के कगार पे है। दो रोटी का जुगाड़ करना किसान को मुश्किल हो गया है। हम किसान के खेत में खड़े हैं, दरियापुर चनाना और मिरान ढाणी मिरान, ये 4-5 गांवों की सीम लगती है यहां पर, और यहां हजारों एकड़ में कपास की खेती है, नरमा की खेती है, लेकिन किस बीमारी से, सफेद मक्खी से या पानी से या बरसात से या किसी कारण से भी पूरी की पूरी फसल कपास की जड़ के बर्बाद हो चुकी है, राख हो चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है। उसके अंदर एक एकड़ में शायद 20 किलो 30 किलो कपास भी नहीं उतरेगी। और आज जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूं, इससे आगे जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मैं घूम के आया हूं, देख के आया हूं, बहुत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है किसान की फसल। आपको दिखाता हूं, कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाइए, ये देखिए कैसे जली हुई है, बिल्कुल जल चुकी है इसको, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी बर्बाद हो चुकी है फसल। ये देखिए इस प्रकार पौधा जल चुका है, ये जो पौधा है बिल्कुल जल चुका है। ये देखिए इसके अंदर कोई किसी में एक या किसी में दो टिंडा लगा है, बाकी पूरी की पूरी फसल जल चुकी है। ये देखिए हम आपको पौधे दिखा रहे हैं, ये जड़े हुए हैं बिल्कुल। ये देखिए पूरी फसल जो कपास की है वो बिल्कुल, ये कपास नहीं जड़ी है, किसानों के अरमान जड़े हैं। ये देखिए पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए पूरी की पूरी, ये सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल पूरी की पूरी जड़ चुकी है, पूरी की पूरी जड़ चुकी है। ये किसानों के अरमान जड़े हैं, ये कपास नहीं जड़ी है। ये बाड़ी जो है देखिए, इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ भी किसान के पास कुछ नहीं बचा है। ये हालत देखने के बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो फिर ये किसानों की देसी होने का जो दम भर रही है वो झूठा प्रोपगंडा है। ये जो कपास है ये देखिए, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल जड़ चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए चारों तरफ जड़ी है कपास, बिल्कुल जड़ चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी। ये देखिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। इतनी तकड़ी और इतनी ऊंची बाड़ी खड़ी थी, इतनी ऊंची कपास खड़ी थी, इसके अंदर मुश्किल से एक एकड़ में 10 या 20 किलो कपास निकलेगी, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। और ये कपास देखने के बाद आप सोच सकते हो किसान के पास क्या बचा है, खराब हो रही है। अच्छा, गांव की सीम में कितने लगभग, कै हजार किले होंगे, कितने लगभग होंगे आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक है, वो आपकी उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, खराब है। अच्छा अच्छा, तो ये किसान मिरान के थे, नाम क्या जी आपका? जय प्रकाश जी है। ये इनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। आइए और भी आपको फसलें और भी खेतों में ले चलते हैं। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा और सब्सक्राइब करें सारे भाई, किसानों की आवाज उठाने के लिए एकमात्र चैनल लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद नमस्ते।